हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आगामी यूपीटेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यक्ति भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किया था। पूछ रहा है कि व्यक्ति भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन पियर्सन, टर्मैन, स्कीनर, गॉल्टन। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉल्टन ने किया था। सेकंड क्वेश्चन, मापन किए जाने वाले प्रत्येक पहलू व्यक्ति भिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है? स्कीनर, ड्रेवर, टाइलर, क्रेसमर। तो यह कथन स्कीनर का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यक्ति भिन्नता का प्रयोग शिक्षा के किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? कह रहा है कि व्यक्ति भिन्नता का प्रयोग शिक्षा के किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? शिक्षकों के चयन में, पाठ्यक्रम निर्माण में, शिक्षणविद के चयन में, नॉट नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षकों के चयन में व्यक्ति भिन्नता का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर फोर, व्यक्ति भिन्नता का मापन किस क्षेत्र में किया जाता है? अब पूछ रहा है कि व्यक्ति भिन्नता का मापन किस क्षेत्र में किया जाता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ए सभी। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए सभी। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्यक्तित्व विकास के स्वरूप है इड, ईगो, सुपर ईगो। कह रहा है इड, ईगो और सुपर ईगो यह किसके अनुसार है? फ्राइड के अनुसार, कॉलर के अनुसार, यूंग के अनुसार, थांडाई के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फ्राइड के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के वर्ग हैं। पूछ रहा है कि सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के वर्ग हैं। फर्स्ट ऑप्शन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ए सभी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तीनों होते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि आरबी कैटल द्वारा विकसित व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों में मुख्य विलक्षणताओं की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन 12, 16, 15, 23। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 12 होते हैं। टीएटी परीक्षण दिया था, टीएटी का पूरा नाम होता है थियमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक ना। टीएटी परीक्षण दिया था मार्गन ने, मरे ने, ए एंड बी दोनों सही है, डी नॉट नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दोनों लोगों ने मिलकर दिया था। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? मॉर्गन ने, मरे ने, हरमन रोसा ने, कैटिल ने, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, हरमन रोसा ने दिया था। सीएटी में कार्डों की कुल संख्या थी। पूछा जा रहा है कि सीएटी चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट में कार्डों की कुल संख्या थी 10, 20, 30, 40। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। कह रहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन उडवर्थ का, गिलफोर्ड का, जे एस सैरू का, स्किनर का। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक ना, गिलफोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 12, काल युग के अनुसार व्यक्तित्व, पहला ऑप्शन अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, ए एंड बी दोनों सही है, नॉट नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। परसोना का अर्थ है, पर्सनालिटी जो है वो परसोना से बना हुआ है। अब परसोना एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मुखौटा, जिसे लगा के लोग अभिनय करते हैं, नाटक, नाच गाना, मुखौटा, मुंह, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रोसा परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? उपलब्धि का, रुचि का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, व्यक्तित्व का मापन करता है। सीएटी का निर्माण किया था, किसने किया था सीएटी का निर्माण? सीएटी को किसने दिया था? चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट कहा जाता है, रस्क ने, नन ने, मरे ने, लियोपिल्ड बैलक ने। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, टीएटी में कुल कार्डों की संख्या थी, यानी टीएटी थियमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में कुल कितने कार्ड थे? 10 थे, 20 थे, 30 थे, 40 थे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कुल कार्डों की संख्या 30 थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रेक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्राइड, पियर्सन, वर्मन, स्टेनबर्ग। फ्राइड ऑप्शन सही है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? मूल्यों के आधार पर पूछ रहा है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, स्प्रेंजर, जुंग, सेल्डन, गैलन। तो स्प्रेंजर ने किया था मूल्यों के आधार पर। कह रहा है कि ई पी पी एस में व्यक्तित्व की कुल कितनी मांगों को सम्मिलित किया गया था? ई पी पी एस इसका मतलब होता है एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल में व्यक्तित्व की कुल कितनी मांगों को सम्मिलित किया गया था? 10, 15, 20, 25, ठीक ना? तो 15 मांगों को सम्मिलित किया गया था। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मास्टर ग्रंथि कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, जनन ग्रंथि को। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 16 पीय प्रश्नावली किसका मापन करता है? कह रहा है कि 16 पीय प्रश्नावली किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, आयु का, इनमें से कोई नहीं। तो 16 पीय प्रश्नावली व्यक्तित्व का मापन करता है। अब फ्रेंड्स, आपके लिए एक होमवर्क है, व्यक्तित्व का मापन करता है कौन? व्यक्तित्व का मापन करता है 16 पीय, TAT, CAT या ये सभी, ये इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इससे आगामी परीक्षा में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक ना? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।